हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रविंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जिसमें ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे एंड इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इसके साथ हम लोग बात करेंगे कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, जहाँ पे हमारे IES एग्ज़ाम्स के क्वालिफाइड ऑफिसर जो हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, जो भी हमारे इंजीनियर्स जो टॉप मैनेजमेंट या IES एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आते हैं उनकी ट्रेनिंग इंडियन रेलवे के टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होती है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन रेलवे कोविड क्राइसिस के वक्त कौन कौन से मेजर्स लिया है एंड कोविड क्राइसिस को फाइट करने में इंडियन रेलवे का क्या क्या योगदान रहा है, इनसे रिलेटेड सभी फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फन फैक्ट्स को लेंगे जिनको सुन के सभी को मज़ा आती है एंड ये फैक्ट एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सो ये जितने भी टॉपिक हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आएंगे। ये सभी फैक्ट को मैंने एक लेक्चर में इसीलिए लिया है क्योंकि इनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगा के कॉन्सेप्चुअली एनालिसिस नहीं करनी है, आपको बस इनको याद रखना है। सो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं हमारा टॉपिक NAIR एंड IRITM। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज एंड इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये क्या है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के बारे में। सो देखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज के पहले समझना होगा हमारा रेलवे स्टाफ कॉलेज क्या था। सो 1930 में ब्रिटिशर्स के अंडर जब हमारी इंडियन रेलवेज आती थी, सो जो हमारे UPSC के एग्ज़ाम्स थे, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस के, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस एंड इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस, इनके जो हमारे ऑफिसर्स हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आते थे, इनके लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवे स्टाफ कॉलेज में इनकी ट्रेनिंग के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई थी। सो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे था? देहरादून में। देहरादून में सबसे पहले 1930 में इन सर्विसेज जो हमारी हैं, फोर्थ सर्विसेज, इनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए देहरादून में हमारा रेलवे स्टाफ कॉलेज बनाया गया था। इसके बाद जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, सो 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, ये जो हमारी फोर मेजर सर्विसेज थी इनके लिए एक हाईली एंड ब्यूटीफुल प्लस वैली लस ग्रीन कैंपस के साथ, जो हमारा प्रताप विलास पैलेस वडोदरा का खाली हो गया था, इसको यूज़ किया गया। प्रताप विलास पैलेस वडोदरा का एक वैली ब्यूटीफुल पैलेस था एंड इसको ही कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बनाने के लिए। सो देहरादून से इन सर्विसेज की जो ट्रेनिंग थी अब कहाँ पर होने लगी? वडोदरा में। 1952 में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज को बनाया गया। पहले ये जो रेलवे स्टाफ कॉलेज था वो इन्हीं सर्विसेज की ट्रेनिंग कहाँ कराता था? देहरादून में। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, 1930, फिर उसके बाद 1952, 1930 का रेलवे स्टाफ कॉलेज एंड 1952 से नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। सो इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, जितने भी हमारी सर्विसेज हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहाँ होती है। सो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा प्रताप विलास पैलेस है वडोदरा का, वहाँ पे होती है कि पुणे में होती है, नासिक में होती है, या हमारे पर्सनल सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। सो इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि किस सर्विस का जो ट्रेनिंग है किस इंस्टीट्यूट में कराई जाती है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बिल्कुल अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज आप लोग समझ गए होंगे एंड इसको रेलवे स्टाफ कॉलेज से रिलेट करके ही समझना है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो हमारा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट।
ये इंस्टीट्यूट अभी रिसेंटली फॉर्म किया गया है, जो हमारी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, जो इसके एग्ज़ाम्स के थ्रू ऑफिसर्स आते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ कराई जाती है, लखनऊ में। इन सर्विसेज को क्वालिफाई करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ में। ये इंस्टीट्यूट कब बनाया गया था, सो 2003 में रिसेंटली बनाया गया है। इस बात को समझ गए होंगे एंड ये बात बिल्कुल समझते चलिए कि जितने भी इंस्टीट्यूट के हम लोग बात कर रहे हैं ये सभी ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स के इंस्टीट्यूट हैं, ये नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है इंडियन रेलवे के। इसमें सभी टॉप ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है जो इंडियन रेलवे को मैनेज करते हैं, हाई मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है इंडियन रेलवे का उनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहीं पे होती है। सो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, ये जो हमारी दोनों पिक्चर है फर्स्ट एंड सेकंड, ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज की है एंड जो हमारी थर्ड इमेज है ये इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ की है। ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। सो चले अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, जहाँ पे हमारे रेलवे के इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होती है, जो टॉप मैनेजमेंट में इंजीनियर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग जहाँ पे होती है। चले तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंडियन रेलवे के टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं इनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूट्स में की जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे के बारे में। तो देखिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो है ये पुणे में 1988 में बनाया है। 1988 मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी लेट में इसको बनाया गया है, अराउंड इसको 32 ईयर्स हो रहे हैं अभी बने हुए। एंड ये एक मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिविल इंजीनियर्स के लिए, जो इंडियन रेलवे के टॉप मैनेजमेंट में जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट इंडियन रेलवे के लिए राइट्स के लिए एंड इरकॉन, हम मैंने पहले भी आपको बताया है कि राइट्स इरकॉन ये सभी इंडियन रेलवे की सब्सिडरीज हैं। सो इनके बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, इनके जो इंजीनियर्स हैं ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स ट्रेनिंग लेते हैं वो या तो ग्रुप ए सर्विस के होते हैं या वो टॉप मैनेजमेंट के इंजीनियर्स होते हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग यहाँ पे की जाती है। नॉर्मल इंजीनियर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे जनरली नहीं की जाती एंड जो टॉप मैनेजमेंट के इंजीनियर्स हैं उन्हीं के लिए ये इंस्टीट्यूट को बनाया गया है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक। देखिए ये इंस्टीट्यूट नासिक में बनाया गया था 1988 में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों रिसेंटली फॉर्म इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड इनको जो ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है 1988 से, ये टॉप मैनेजमेंट की ही ट्रेनिंग करती है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं हमारे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक। एंड ये सभी जो हमारे IES के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। जितने भी हमारे व्यूअर्स इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो लोग बिल्कुल जानते होंगे IES का एग्ज़ाम क्या होता है एंड रेलवे इसी एग्ज़ाम से अपने इंजीनियर्स को लेता था। अभी बीच में उसने इसको बंद कर दिया था एंड शायद दोबारा से वो अपने एग्ज़ाम्स या IES के थ्रू एग्ज़ाम्स को लेगा। सो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे सिविल इंजीनियर्स पुणे में जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में जाते हैं, दोनों महाराष्ट्र में हैं। सो सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों लोग महाराष्ट्र में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये दोनों इंस्टीट्यूट 1988 में बने थे। सो इस दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड हमारा इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही पुराना है, जो हमारे 1988 के इंस्टीट्यूट हैं, लगभग उनसे 100 साल पहले इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को बनाया गया था। ये इंस्टीट्यूट हमारा जो जमालपुर वर्कशॉप है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, जो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी वर्कशॉप है जहाँ पे हमारी स्टीम इंजन्स को बनाया जाता था, सो वहीं पे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बनाया गया है। एंड ये इंस्टीट्यूट भी सेम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो स्टूडेंट होते हैं
उनके ट्रेनिंग के लिए ही बनाया गया है। ये इंस्टीट्यूट 1988 में बनाया गया था एंड इसमें जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो 1927 से स्टार्ट हुई थी। इस दोनों फैक्ट को ध्यान से समझ लीजिए। इंस्टीट्यूट हमारा 1888 में बना था बट इसको वेल डेवलप्ड होने में काफ़ी साल लगे एंड 1928 से यहाँ पे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। चलिए इसी तरह हमारा लास्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन। ये इंस्टीट्यूट हमारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं जो IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद में बनाया गया है। ये इंस्टीट्यूट हमारे जो इंडियन रेलवे की सिग्नलिंग है एंड जो उसका पैटर्न है और उसमें किस तरीके के प्रोग्रेस होने चाहिए, एडवांस ट्रेनिंग एंड इनिशियल ट्रेनिंग दोनों करवाता है। ये इंस्टीट्यूट सिर्फ इंडियन रेलवे के लिए ही सर्व नहीं करता है, ये कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी सर्व करता है, जैसे कि हमारी गुड़गांव की मेट्रो हो गई या कई हमारी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो इंडियन रेलवे के लिए काम करती हैं एंड सिग्नलिंग से रिलेटेड उनका काम होता है, उनकी ट्रेनिंग भी इस इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है। और ये इंस्टीट्यूट भी इंडियन इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया के टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आता है। इन सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आपको याद रखना है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या अगर आप DFCCIL का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो उसमें भी आपकी ट्रेनिंग एक बार यहाँ पे होगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सारे इंस्टीट्यूट आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इंडियन रेलवे ने किस तरीके से COVID-19 क्राइसिस में अपने फाइट को जारी रखा और किस किस तरीके से अपने COVID-19 क्राइसिस में अपने योगदान को दिया है। चले तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे रेलवे ने कोविड में किस तरीके से जंग को जीता है एंड कोविड क्राइसिस के समय किस किस स्टेप्स को उठाया था, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी रिसेंटली जो हमारा 2020 से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स के लिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स मतलब ये फ्रेट ट्रेन्स ही हैं, ये पैसेंजर ट्रेन्स तो नहीं हैं बट इनको ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स का नाम दिया गया है। ये ट्रेन्स एक बार में 85 मिलियन टन्स का लिक्विड ऑक्सीजन लेके जा सकती हैं। 85 मिलियन टन्स लिक्विड ऑक्सीजन एक बार में ट्रेन्स ट्रैवल करा सकती हैं, इसलिए इंडिया में कहीं पे भी ऑक्सीजन को जल्दी पहुंचाना है तो हम लोग पहुंचा सकते हैं। इसमें ट्रक्स ही लोडेड होते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई कंटेनर्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, डायरेक्टली ट्रक्स को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स पे चढ़ा दिया जाता है एंड अलग अलग पॉइंट्स हमारे इंडिया की वहाँ पे इन ट्रक्स को उतारा जाता है एंड वो ऑक्सीजन को वहाँ पे सप्लाई करते हैं। इन ट्रेन्स के मदद से ही कोविड क्राइसिस में ऑक्सीजन की बिल्कुल टाइम पे डिलीवरी हो पाई थी। इस बात को समझिएगा, ग्रीन कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जो रेलवे मिनिस्ट्री ने चालू किया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को पहले पास करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है वो है इंडियन रेलवे जब हमारा कोविड क्राइसिस आया था तो उस वक्त सबसे पहले आइसोलेशन वार्ड्स को रेलवे कोचेस के अंडर ही बनाया था। रेलवे कोचेस को आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील करने का काम हमारे मार्च से ही स्टार्ट हो गया था। लगभग 5000 कोचेस को हमारे इंडियन रेलवे ने आइसोलेशन वार्ड्स के फॉर्म में तब्दील किया। इन कोचेस में एक टॉयलेट, एक बाथरूम एंड विंडो पे हमारा मॉस्किटो नेट लगाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी रहती है। ये सभी फैसिलिटीज़ के साथ कोई भी जो हमारा आइसोलेशन के लिए पेशेंट है जो 14 दिन क्वारंटाइन रहना चाहता था वो इन सभी फैसिलिटीज़ के साथ इंडियन रेलवे के कोचेस में रह सकता था एंड इसका बहुत बड़ा योगदान था आइसोलेशन को ईजली एंड एफिशेंटली इंडिया में कोविड क्राइसिस के समय करने के लिए। जो हमारी थर्ड पॉइंट है वो है PPE किट को इंडियन रेलवे ने खुद बनाया था अपने वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स में। इंडियन रेलवे की कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहाँ पे PPE किट्स को बनाया गया था। इंडियन रेलवे ने अपने जितने भी वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट एंड फील्ड यूनिट्स हैं इनको काम दिया था अप्रैल
2020 से ही पीपीई किट्स पे काम करने के रहे एंड ये पीपीई किट्स अगस्त से ही बनना चालू हो गई थी। इसी तरह जो हमारी फोर्थ पॉइंट है वो है आईआरसीटीसी एंड आरपीएफ के बारे में। आईआरसीटीसी एंड आरपीएफ ने मिल के लगभग 1,02,937 मील जो हमारे रिकॉर्डेड हैं इनको पुअर एंड नीडी पीपल्स में बांटा था जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन। 24 मार्च से जो हमारा लॉकडाउन लगा था सो 28 मार्च से ही इंडियन रेलवे इस काम को करना स्टार्ट कर दी थी एंड लगातार जब तक हमारा कोविड क्राइसिस चलता रहा इंडियन रेलवे ने फ्री मील्स को बांटा है। इसी तरह जब हमारा लॉकडाउन के वक्त जो हमारे लेबर्स थे जो दूर दराज इलाके में माइग्रेंट लेबर्स थे जो अपने घर की तरफ जाना चाहते थे सो उस वक्त जब उनके पास पैसा नहीं था उस वक्त इंडियन रेलवे ने उनके लिए फ्री ट्रेन सर्विस चालू की थी श्रमिक ट्रेन। ये श्रमिक ट्रेन जितनी भी हैं ये जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स थे उनको लॉकडाउन के वक्त अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती थी एंड इनके मदद से बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर हैं जिनकी चलते चलते डेथ हो जाती थी उनकी डेथ को इंडियन रेलवे ने रोका है अपने इस योगदान के बदौलत। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो वेंटिलेटर के बारे में है। इंडियन रेलवे ने एक वेरी लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया था जीवन। इस वेंटिलेटर को रेल कोच फैक्ट्री ने बनाया था एंड इसकी मदद से जो हमारे रेलवे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सबसे पहले जब तक हमारे वेंटिलेटर्स नहीं पहुँचे थे जो हमारे हार्डली एक्यूट वेंटिलेटर्स हैं उनके बनने के पहले रेलवे में जो जीवन वेंटिलेटर बना था रेलवे कोच फैक्ट्री में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में जो हमारा लो कॉस्ट वेंटिलेटर ये एक वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप था जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकता था इसका नाम था जीवन। सो इस वेंटिलेटर को रेलवे ने बनाया था एंड कहाँ पे बना था रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। चले ये सभी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। रेलवे की जो कोविड फाइट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल डिटेल में समझ लीजिए एक एक जो पॉइंट है इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। सो चलिए अब हम लोग जानते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में इंडियन रेलवे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। चले तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं इंडियन रेलवे कुछ ऐसे फन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जिनको जानने के बाद सभी को बहुत ही मज़ा आता है एंड ये फैक्ट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर दो स्टेशन एक ही ट्रैक के अगल बगल बने हैं। मतलब एक बार में अगर आप उस रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं तो आप एक साथ दो रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं श्रीरामपुर एंड बेलापुर। श्रीरामपुर एंड बेलापुर उसी रेलवे ट्रैक के अपोजिट साइड में है। एक साइड में श्रीरामपुर है एंड दूसरे साइड में बेलापुर रेलवे स्टेशन है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं अगर आप श्रीरामपुर गए हैं तो आप उनको बताइए हम बेलापुर गए हैं एंड नेक्स्ट को बताइए हम श्रीरामपुर गए हैं। सो वो लोग अपना माथा पीटता रह जाएंगे। सो उन लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन लोगों को बताइए कि अहमदनगर में हम गए थे श्रीरामपुर और बेलापुर रेलवे स्टेशन एक ही जगह पे था। सो इस तरीके से दोनों रेलवे स्टेशन पे हम लोग एक टाइम पे पहुँचे। जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है वो एक ऐसी पॉइंट है आप लोग हमेशा देखते होंगे ट्रैवल करते समय कि जब भी आप लोग ट्रेन में चढ़ते हैं ट्रेन के चलते ही सबको नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है बल्कि ट्रेन के चलने से तो साउंड क्रिएट होता है सो कई लोग की नींद तो गायब हो जानी चाहिए। बट एक इंजीनियरिंग का जो यहाँ पे कमाल है वो ये है जो हमारा कोच का सस्पेंशन होता है चाहे वो एयर सस्पेंशन हो चाहे वो हमारा हाइड्रोलिक सस्पेंशन हो जो भी सस्पेंशन हम लोग इंडियन कोचेस में यूज़ करते हैं वो जो साउंड क्रिएट करते हैं वो 1.2 हर्ट्ज का साउंड क्रिएट करते हैं एंड ये फ्रीक्वेंसी हमारे जो हमारे ईयर्स हैं उनके लिए मोस्ट कंफर्टेबल फ्रीक्वेंसी है स्लीप आने के लिए। जब भी हम लोग कोई ऐसी म्यूज़िक सुनते हैं जिससे स्लीप आता है तो उन म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी को भी 1.2 हर्ट्ज तक रखा जाता है। तो जो हमारा कोच का सस्पेंशन है वो जो साउंड क्रिएट करता है वो भी कितना करेगा 1.2 हर्ट्ज।
एक तरीके से जब हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो हम लोग एक स्लीपिंग साउंड को सुनते हैं, इसलिए ट्रेन्स में चलते हुए हम सभी लोगों को ज़्यादा नींद आती है एज़ कम्पेयर टू जितना नॉर्मल डेज में सभी लोग सोते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी को। एंड कोच के सस्पेंशन कोई भी हो, सभी से फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि यही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो। जो हमारी थर्ड पॉइंट है वो महाराष्ट्र के एक ऐसे क्रॉसिंग के बारे में है जिसको डायमंड क्रॉसिंग का नाम दिया गया है। नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग के नाम से एक ऐसी क्रॉसिंग है जहाँ से आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी डायरेक्शन चेंज करना हो ये किया जा सकता है। सेकेंड इमेज में तो यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक्स को ही दिखाया मैंने, बट ये जो ओरिजिनल ट्रैक्स हैं ये तो एक एनिमेटेड पिक्चर है। जो ओरिजिनल ट्रैक्स हैं उसमें डायरेक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। आप ईस्ट से आ रहे हैं तो आप नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं तो आप वेस्ट की तरफ जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस क्रॉसिंग पे हो जाती हैं। यहाँ पे जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसको ये सभी चीज़ें करनी होती हैं। तो उसका काम तो वैसे ही ज़्यादा है, सभी ट्रेन्स को इसको रोकना भी है, फिर उनका जो हमारा रिले सिस्टम है उस रिले सिस्टम को भी चेंज करता है। रिले सिस्टम से वो किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर देता है ट्रेन्स की, एंड ट्रेन्स ट्रैक बदलते हुए किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। सो डायमंड क्रॉसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई नागपुर की, इसमें कोई भी डायरेक्शन में जाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारी, जो हमारे इंडियन रेलवे में जो हमारे चोर, जो हमारे थीव्स, जितने भी लोग चोरी करने के इरादे से आते हैं उसको बचाने के लिए हमारे कोचेस के अंदर जो भी हमारे लाइट फैन या जो भी चीज़ें लगी रहती हैं इन सभी को बचाने के लिए एक ऐसा स्टेप लिया गया है इंडियन रेलवे में, शुरू से ही ये फॉलो होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो सभी 110 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब इंडियन रेलवे के कोच में 110 वोल्ट पे वो सारे इक्विपमेंट चलते हैं। अब अगर कोई चोर है वो सोचे कि इस पंखे को निकाल के मैं ले जाके घर में चलाऊंगा, तो अगर वो घर में ले के गया और उसको कनेक्ट किया तो वो तो सीधा ख़राब हो जाएगा अप्लायंस, क्योंकि आप उसको 220 वोल्ट पे देंगे, घर में हमारे सप्लाई 220 वोल्ट आएगी। सो 220 वोल्ट पे लगाते ही वो अप्लायंस ख़राब हो जाएगा। सो जो चोर है वो अपना माथा ही पीटता रह जाएगा कि इंडियन रेलवे से दोबारा चोरी नहीं करनी, जो हमारे बाथरूम है उससे लोग मग तक चोरी कर लेते हैं। सो इस तरीके की चीज़ें, इस चोरी को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए इस स्टेप को उठाया है। कोई भी चोर चोरी करके सिर्फ अपना माथा ही पीट सकता है। जो हमारी फिफ्थ पॉइंट है वो एक ऐसी पॉइंट है जो इंडियन रेलवे के लार्ज इमेज को शो करती है। इंडियन रेलवे वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मतलब सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली कोई भी एक ऐसी कंपनी, उसमें इंडियन रेलवे 8वें नंबर पे आता है। अगर इस वक्त बात करें 2020 में कितने लोग इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं तो लगभग 1.4 मिलियन पीपल इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं। 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं वो भारतीय रेलवे में इस वक्त काम करते हैं। जो हमारी लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कर रहे हैं वो 8 रेलवे म्यूजियम्स के बारे में है। 8 रेलवे म्यूजियम्स इंडियन रेलवे ने बनाए हैं लोगों को इंडियन रेलवे के बारे में जानने के लिए। ये सभी रेलवे म्यूजियम देश के अलग अलग शहरों में बनाए गए हैं। जो हमारा दिल्ली में है वो नेशनल रेल म्यूजियम है चाणक्यपुरी में, इसी तरह जो 8 रेलवे म्यूजियम है वो कुछ और शहरों में भी हैं, जैसे कि पुणे में एक रेलवे म्यूजियम है, कानपुर में है, कानपुर बहुत ही ओल्ड स्टेशन है, मैसूर जो हमारा है, कोलकाता, चेन्नई, घूम घूम रेलवे स्टेशन के बारे में बात की, माउंटेन रेलवे जो हमारी है वो घूम की, वो घूम स्टेशन हमारा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ स्टेशन भी है, और एक हमारा नेशनल रेल म्यूजियम, सॉरी रेल म्यूजियम एक हमारा तिरुचिरापल्ली में भी है। तिरुचिरापल्ली में, पुणे में, कानपुर में, मैसूर में, कोलकाता, चेन्नई एंड घूम में, इन सभी सिटीज़ को याद रखेंगे हम लोग जब हम लोग सिर्फ रेल म्यूजियम की बात करेंगे। अगर हम लोग नेशनल रेल म्यूजियम के बारे में पूछेंगे तो नेशनल रेल म्यूजियम हमारा दिल्ली में है।
ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, इन सभी को आपको याद रखना है एंड काफ़ी ये फनी फैक्ट्स में इसलिए आपको याद भी हो जाएंगे। सो चलिए, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।